हेलो स्टूडेंट, वेलकम। अच्छा बाबा, अब हम जा रहे हैं चैप्टर नंबर 20, दैट इज द न्यूक्लियर रेडिएशन। ठीक है ना, 19 से मिलता जुलता तकरीबन समझ लें, पर ये कि न्यूक्लियर रेडिएशन आमतौर पे किस तरह के या कैसे होते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा बात करना चाहते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम न्यूक्लियर रेडिएशन की बात करते हैं कि वो रेज जो कि न्यूक्लियर से निकलते हों, दीज आर द न्यूक्लियर रेडिएशन। और इसमें जो पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी हैं ये हम डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम आते हैं अल्फा रेज की हम बात करते हैं। अच्छा सुनो बेटा, अल्फा रे को हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज हीलियम न्यूक्लियाई। ये बुनियादी तौर पे हीलियम न्यूक्लियाई समझे जाते हैं, ये हीलियम न्यूक्लियाई आप कह सकते हो। ठीक है ना। अच्छा, हमने चैप्टर 19 में वाज़े तौर पे पढ़ दिया कि चार्ज नंबर इनका 2 होता है और इनका जो मास नंबर है दैट इज इक्वल टू 4। ओके बेटा, अच्छा अल्फा पार्टिकल की स्पीड, वहां पे हमने राउंड ऑफ करके पढ़ी थी कि 1/10 to 100 होती है, पर यहाँ पे हम एक्यूरेटली की बात कर लेते हैं। देयर स्पीड इज 1/30th ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, या ऐसे कह दो 0.1 × 10^8 मीटर पर सेकेंड होती है। अच्छा, अल्फा रेज जो होते हैं इनकी एनर्जी 7.707 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है और इनकी काइनेटिक एनर्जी 6.04 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अच्छा, नंबर वन। नंबर टू, ये अल्फा रे हैवी हैं, कह दो कि दीज आर हैवियर पार्टिकल। ये पार्टिकल हैवी, भारी समझे जाते हैं, उसी लिए हम आमतौर पे ये कहते हैं कि इनका आयोनाइजेशन जो पावर है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और इनका जो पेनिट्रेशन पावर है वो कम होता है। अच्छा, आयोनाइजेशन ये जब करते होंगे तो डेफिनेटली ये अपनी एनर्जी को लूज भी करते हैं, है ना, क्योंकि आयोनाइजेशन का मतलब है व्हेन दे स्ट्राइक ऑन द मेटेलिक सरफेस, या व्हेन दे स्ट्राइक ऑन एनी काइंड ऑफ एटम, या व्हेन दे स्ट्राइक ऑन एनी क्रिस्टल, तो क्या करते हैं उनको तोड़फोड़ कर देते हैं उनमें, ना तोड़फोड़ कर लेना का मतलब है तोड़ना, इसी को कहते हैं आयोनाइजेशन। तो डू रिमेंबर, ये ज्यादा से ज्यादा आयोनाइजेशन करते हैं, और डू रिमेंबर व्हेन दे आयोनाइज तो पता है क्या होता है, दीज लूज एनर्जी, ये अपनी एनर्जी को लूज करते हैं। अच्छा, फॉर सिंगल इनकाउंटर एक आयोनाइजेशन की अगर बात करें तो ये कितनी एनर्जी लूज करते हैं, ये बात आप ध्यान में रख लो, तकरीबन 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक एटम की आयोनाइजेशन से ये अपनी एनर्जी लूज करते हैं, जो दैट इज 35। अब है कितनी, 7.07 मेगा, उसमें से 35 गई तो बाकी अभी भी बहुत है, तो बहुत सारे एटम या आयोनाइज और भी कर सकते हैं। तो जनरली आप ये बाबा ध्यान में रख लो, सिंगल अल्फा कैन आयोनाइज, एक अकेला जो अल्फा होता है ना, ये बहुत सारे एटम्स आयोनाइज कर सकता है, तकरीबन 0.2 × 10^6 एटम, तकरीबन हम इसको कहते हैं 200,000। एक अकेला अल्फा पार्टिकल 200,000 एटम्स को आयोनाइज कर सकता है, इतना बड़ा भारी है, इतना बड़ा आप कह सकते हैं हैवी है। ठीक है ना, तो आयोनाइजेशन पावर आप सिंपली कह सकते हैं कि इनका मैक्सिमम होता है सब रेडिएशन में से। अच्छा, अब चूंकि ये हैवियर हैं, हैवियर होने की वजह से इनमें जो पेनिट्रेशन पावर है ना वो बहुत कम होता है, या हम सिंपली कह सकते हैं कि इनका पेनिट्रेशन पावर काफी मिनिमम होता है। मिनिमम से मुराद ये कि काफी कम होता है। अच्छा, अगर लाइटर मीडियम की बात करें, जैसा कि हवा है ना, तो एयर में ये ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं, या एयर में इनकी जो पेनिट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि एयर आपका जो मीडियम है वो कौन सा समझा जाता है, लाइटर वन। तो हवा में तकरीबन 7 × 10^ हवा के हिसाब से अगर बात करें तो 7 × 10^-2 मीटर तक इनकी पेनिट्रेशन होती है, क्योंकि एयर जो मीडियम है वो इनके लिए काफ़ी लाइटर है। अच्छा, अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में थोड़ा कम होता है, जाहिर सी बात है एल्यूमिनियम डेंसर है, तो डेंसर मीडियम में इनकी पेनिट्रेशन रिलेटिवली आप सिंपली कह सकते हैं कि कम होती है। अच्छा बाबा, जब अल्फा रे न्यूक्लियस से निकलता है तो होता क्या है, ये न्यूक्लियर डिके में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया कि चार्ज नंबर डिक्रीजेस बाय 2 एंड मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4। सो बड़ी सादी सी बात, अल्फा रेडिएशन का मतलब है दीज आर दोस व्हिच आर सेड टू बी पॉजिटिव एंड दे कैरी 2
टू या इनकी जो आप सिंपली कह सकते हैं पावर के हिसाब से बात की जाए तो आयोनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा इन रेज का होता है, पेनिट्रेशन पावर सबसे कम भी इन रेज का होता है, कम, क्योंकि भारी है ना, मजे से पास नहीं होते। सो सच काइंड ऑफ रेडिएशन आर एक्चुअली कॉल्ड एज अल्फा रे। ये भी आप सिंपली कह सकते हैं कि बुनियादी तौर पे लाइटर रेडिएशन की तरह नहीं होते, इनका जो रेडिएशन की कहानी है वो काफ़ी हैवी होती है, मतलब आयोनाइजेशन के हिसाब से अगर बात करें ना तो भारी होते हैं। न्यूक्लियर रेडिएशन एक और भी होती हैं जो कि प्रोटॉन समझी जाती हैं, प्रोटॉन। अच्छा बाबा, अगर प्रोटॉन की बात करें तो कह सकते हो आप कि दीज आर लाइटर देन अल्फा, अल्फा रेज के हिसाब से अगर बात करो तो ये लाइटर होते हैं, अल्फा रे भारी है ना, ये उनके हिसाब से काफी लाइटर होते हैं। अच्छा, इनका जो मास है ना वो अल्फा रे के हिसाब से क्या होता है, 1/4 है, 1/4 है। इनकी जो चार्ज है, इनका जो चार्ज होता है तो वो तकरीबन ऐसे समझ लो हाफ ऑफ अल्फा, क्योंकि अल्फा में दो प्रोटॉन है ना, इधर एक है, तो उसका मतलब ये क्या बना, हाफ बना, हाफ बना है ना। सो ये छोटी सी कहानी इस तरह सी। अच्छा बाबा, ये लाइटर हैं तो उसका मतलब ये कि अल्फा के हिसाब से इनका पेनिट्रेशन ज्यादा होगा, तो आप यूं भी कह सकते हो कि दीज हैव मोर पेनिट्रेशन पावर देन अल्फा, अल्फा के हिसाब से पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होता है पर आयोनाइजेशन कम होगी, क्योंकि अल्फा भारी होते हैं ना, ये हल्के, उस हिसाब से अगर बात की जाए लाइटर हैं तो, बट लेस आयोनाइजेशन पावर, आयोनाइजेशन पावर इनका कम होता है, क्योंकि ये रेडिएशन जो है रिलेटिवली आप सिंपली कह सकते हो कि काफी लाइटर है। अच्छा, तो बड़ी सादी सी बात है कि मीडियम के हिसाब से आप अगर बात करें तो पेनिट्रेशन इनकी ज्यादा होती है, तकरीबन अल्फा के हिसाब से 5 से 10 गुना बड़ी होती है पेनिट्रेशन इनकी, 5 से 10 गुना ज्यादा होती है, पर चूंकि ये लाइटर हैं तो इतना आयोनाइजेशन नहीं करते, आयोनाइजेशन फिर भी आप सिंपली कह सकते हैं कि कम होती है। दीज आर एक्चुअली प्रोटॉन, प्रोटॉन भी आप सिंपली कह सकते हैं कि आपका न्यूक्लियर रेडिएशन से है, या ये न्यूक्लियर से निकलते हैं, इस तरह से आप कह सकते हो। अच्छा बाबा, न्यूक्लियर से एक चीज और भी निकलती है जो कि न्यूट्रॉन समझी जाती है। अच्छा, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो आप सिंपली कह सकते हो कि दीज आर चार्जलेस एंड न्यूट्रल, या चार्जलेस पार्टिकल कह दो, भला चार्जलेस पार्टिकल कह दो। अच्छा, इनका जो आयोनाइजेशन पावर है ना वो स्लाइटली मोर देन प्रोटॉन, प्रोटॉन से थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन से थोड़ा भारी होता है तो आयोनाइजेशन थोड़ा भारी होगा, ज्यादा होगा, बट इज लेस देन, बट इज लेस देन अल्फा, अल्फा से तो कम होगा ना, क्योंकि अल्फा तो और भी भारी है, बहुत है। अच्छा, इन द सेम वे अगर पेनिट्रेशन पावर की बात करो तो स्लाइटली लेस देन अल्फा, अपना प्रोटॉन से थोड़ा बहुत कम है, बट मोर देन वी जनरली कैन से अल्फा रे, पेनिट्रेशन अल्फा के हिसाब से ज्यादा होगी, क्योंकि अल्फा की कंपैरिजन में ये है लाइटर है, पर प्रोटॉन के हिसाब से अगर कंपेयर करें तो दीज आर से टू बी अ बिट हैवियर, थोड़ा सा हैवियर इस तरह से। अच्छा बाबा, एक चीज दियो कि तकरीबन इनका मास प्रोटॉन से कितना है, तो आप सिंपली कह सकते हैं 1/4 लाइटर है, 1/4 lighter than we generally can say alpha ray. Ionization power जो है वो कितना होगा, वो alpha से कम है, क्योंकि alpha तो सबसे ज्यादा भारी है ना, तो इनका relatively आप simply कह सकते हो कि relative to this particular इनका कम होता है। Such kind of radiations are actually called as neutron. तो जो neutrons है ना, ये भी बुनियादी तौर पे इस तरह से ऐसे होते हैं, क्योंकि इनके बीच में या आप सिंपली कह सकते हैं कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब है ये किसी के साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, दे कैन इंटरेक्ट विथ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस या इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करके ये डायरेक्ट इंपैक्ट भी दे सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब इलेक्ट्रॉन एटम से कोलाइड होते हैं तो ये उस एटम का खैर नहीं है, आप सिंपली कह सकते हैं कि उसका आयोनाइजेशन भी कर सकते हैं। तो बाबा सिंपल है कि इनके पास एक बड़ी एनर्जी भी होती है न्यूट्रॉन के पास, तो
तो कोई रिपेल करने वाला भी नहीं होता है, इसलिए हम सिंपली कह सकते हैं कि ये इम्पैक्ट कर सकते हैं, कोलिजन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटी सी कहानी जो कि न्यूट्रॉन के हिसाब से। रेडिएशन का एक और भी है जो कि बीटा रे समझा जाता है, बीटा। अच्छा, अल्फा रे पॉजिटिवली चार्ज रखते हैं, आपने पढ़ा प्रोटॉन आपके पॉजिटिवली चार्ज हैं, न्यूट्रॉन आपने पढ़ा कि न्यूट्रल स्पेसीज हैं। बिल्कुल इसी तरह से रेडिएशन का टाइप एक और भी है जिसको हम बोलते हैं बीटा पार्टिकल, या हम इसको बोलते हैं बीटा रेज। बीटा के लिए कहा जाता है कि ये नेगेटिव है, ठीक है ना। तो बीटा रेज में क्या होता है, अब हम ये देखना चाहते हैं। अच्छा बाबा बात सुनो, बीटा रेज तकरीबन ऐसे समझ लो, दीज आर से टू बी फास्ट इलेक्ट्रॉन। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि बुनियादी तौर पे दीज आर फास्ट इलेक्ट्रॉन टाइप, इनकी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन से मिलती जुलती हैं। अच्छा, चार्ज कम है, चार्ज इनका क्या है, हाफ ऑफ अल्फा है तकरीबन ऐसे समझ ले, पर मास के हिसाब से ये बहुत कम है। दीज आर लाइटर देन अल्फा, अल्फा से लाइटर है, प्रोटॉन से लाइटर है, न्यूट्रॉन से लाइटर है, उसी लिए हम कह सकते हैं कि इनका आयोनाइजेशन जो पावर है वो आप सिंपली कह सकते हैं अल्फा से भी कम है, इनका प्रोटॉन से भी कम है और न्यूट्रॉन से भी कम है। आयोनाइजेशन क्योंकि लाइटर है ना, उसलिए आयोनाइज कम करते हैं। अच्छा, पर चूंकि ये लाइटर हैं उसके लिए आसानी के साथ पेनिट्रेट हो जाते हैं मीडियम में, तो पेनिटेशन पावर की अगर बात करें तो इनका पेनिटेशन पावर अल्फा या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से ज्यादा होगा। सो सच काइंड ऑफ रेडिएशन आर एक्चुअली कॉल्ड एज बीटा। अच्छा, बीटा डिके जब होता है तो आपने वाजे तौर पे ये पढ़ा था कि व्हाट हैपेंस टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर कौन सी चेंजिंग आती है, आपने पढ़ा। तो हमने वहां पे न्यूक्लियर फिजिक्स में ये पढ़ा था कि भाई दो तरह के डिके हैं, एक है बीटा पॉजिटिव डिके और दूसरा बीटा नेगेटिव। पॉजिटिव डिके का मतलब ये होता है कि पॉजिट्रॉन निकला, और नेगेटिव का मतलब है सिंपली हम कह सकते हैं कि दैट इज द फास्ट इलेक्ट्रॉन निकला, इस तरह से। ठीक है ना, तो इसके बीटा के डिके दो तरह के बुनियादी तौर पे होते हैं, दैट्स इट। अच्छा, रेडिएशन के हिसाब से एक चीज और है, दीज आर द गामा रे, गामा रेज के हम कह सकते हैं। अच्छा बाबा, गामा रे बुनियादी तौर पे दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वे फोटोन, ये सबसे ज्यादा ऐसे कह लो कि लाइटर हैं। अच्छा, गामा रे जब निकलते हैं तो आपने वादे तौर पे पढ़ा देयर इज नो इफेक्ट टू द मास नंबर और चार्ज नंबर, क्योंकि ये लाइटर पार्टिकल, या इस तरह से समझ लो कि ये वो पार्टिकल हैं जिनके निकलने से न्यूक्लियस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अच्छा, सिर्फ एनर्जी की एक्साइटेशन की वजह से ये निकलते हैं। बाय द वे, दीज आर लाइटर देन ऑल अदर, दीज आर मोस्ट लाइटर पार्टिकल्स या रेडिएशन, उसीलिए इनका आयोनाइजेशन पावर कम अज कम है और इनका जो पेनिटेशन पावर है वो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। अच्छा, गामा रेज के काफी सारे इस्तेमाल आपने पढ़े, खासतौर पर मॉडर्न फिजिक्स है उसमें आप पढ़ते हो, जैसा कि जब गामा रेज को हम मेटेलिक सरफेस पे लगाते हैं तो ये हो सकता है कि सारा का सारा गामा रे एब्जॉर्ब भी हो सकता है, तो उसकी एनर्जी कहाँ जाती है, इन ऑर्डर टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट मेटेलिक सरफेस, जिसको आप पढ़ते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो गामा रे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी काज कर सकते हैं, ये इनका एक बेहतरीन इस्तेमाल है। अच्छा, दूसरा ये कि ऐसा भी हो सकता है कि गामा रे जब मेटेलिक सरफेस पे लगते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को आगे भेज देते हैं, इलेक्ट्रॉन को आगे रिकॉइल करते हैं और खुद स्केटर्ड हो जाते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा था कॉम्पटन स्केटरिंग प्रोसेस में। तो देखें, ऐसा नहीं है कि गामा कुछ भी नहीं करते, गामा के पास अगर एनर्जी है सफिशियंट तो दे मे काज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। गामा के हिसाब से अगर बात करें, दे मे काज स्केटरिंग प्रोसेस, जो कि कॉम्पटन स्केटरिंग प्रोसेस आपने पढ़ा। या ये भी हो सकता है कि जब गामा रे को हम न्यूक्लियर विसिनिटी से गुजारते हैं, या न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस के पास से जब ये गुजरते हैं तो न्यूक्लियर फील्ड में जाने से ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको आपने पढ़ा था मेटरलाइजेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैटर, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर। तो इनका असर है, ऐसा नहीं है कि इनका कोई इफेक्ट नहीं है, इनका बेशक इफेक्ट है बेटा, पर ये है कि रिलेटिव टू अदर इनका काफी कम होता है, क्योंकि ये
सैनिटेशन के हिसाब से बात करें तो बड़े खतरनाक हैं, पर आयोनाइजेशन के हिसाब से बात करें या ब्रेकिंग के हिसाब से बात करें तो उतना नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये आपके सिंपली कह सकते हैं गामा रे। बाबा अब एक बात आप ध्यान में रख लो, आयोनाइजेशन पावर के हिसाब से मैं थोड़ा आपको समझा दूं। सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन पावर होता है अल्फा का, सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पे होते हैं न्यूट्रॉन, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन, न्यूट्रॉन, और उसके बाद तीसरे नंबर पे जो आते हैं वो होते हैं प्रोटॉन, और उसके बाद प्रोटॉन भी आते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप कह सकते हो कि बीटा, और कम से कम जो आयोनाइजेशन होता है वो किस चीज का आता है, आप कह सकते हैं कि देयर वुड बी ऑल अबाउट गामा। ओके, पेनिट्रेशन पावर के हिसाब से बात करें तो ये सीन उल्टा है। पेनिट्रेशन पावर के हिसाब से अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन किसकी होती है, गामा की। सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर उनकी होगी जो रेडिएशन लाइटर होते हैं, लाइटर रेडिएशन। अच्छा, दूसरे नंबर पे कौन होते हैं बाबा, बीटा होते हैं। तीसरे नंबर पे कौन होता है, प्रोटॉन होते हैं। चौथे नंबर पे कौन सा आपका, यही न्यूट्रॉन होता है। और कम से कम जो होता है पेनिट्रेशन पावर उसको हम सिंपली कह सकते हैं दैट इज अल्फा। तो ये एक छोटी सी कहानी जो कि आयोनाइजेशन और पेनिट्रेशन पावर के हिसाब से हम लिखते हैं। अच्छा बाबा, इन आयोनाइजेशन पावर और पेनिट्रेशन पावर को कैलकुलेट करने के लिए चंद डिवाइसेस इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि अब हम नेक्स्ट वीडियो में उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसा कि विल्सन क्लाउड चैम्बर है, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर है, या गीगर काउंटर वगैरह जो भी है, तो ये भी अब हम डिस्कस करते हैं। फिलहाल आप इस चीज़ को थोड़ा नोट कर लो। शाबाश बेटा।